नमस्कार, कांटेल की आवाज़ डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ में नगर परिषद द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि मेले के तहत कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता के तहत प्रतापगढ़ में जो कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है उसमें आसपास की टीमें भी भाग ले रही हैं। यहाँ पर मेवाड़ कुमार एवं मेवाड़ केसरी के खिताब के लिए पहलवानों ने दमखम दिखाया है। यहाँ पर नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर के अनुसार दूसरे दिन कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें मेले में लीग प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई है और इसके बाद में फाइनल और सेमीफाइनल का जो मुकाबला है वो आज होगा। और यहाँ पर दर्शक पहुँचे हैं और जो पहलवानों की हौसला अफजाई किए, देखे वीडियो में किस तरह से पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया है और किस तरह से उनके साथ आने वाले उनके समर्थक हौसला अफजाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोज राठौड़, कांडल की आवाज़, प्रतापगढ़। अगले पहलवान तैयार है, मोहम्मद इशाक हेजी रामसला, साहिल नागोरी हेजी रामसला तैयार है। मोहम्मद इशाक हाथागवड़ा, मोहम्मद नागोरी, साहिल नागोरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से कुश्ती प्रतियोगिता को कैद करने के लिए मनोज जी राठौड़ मंत्री जी के द्वारा इनको दिखाया जाएगा। जब कितने लोग यहाँ पर नहीं आ पाए थे, उनको लगेगा कि इतना सुंदर आयोजन जहाँ पर सभी ध्यान दें, कोई भी नागराज व्यायामशाला रेड कॉस्ट्यूम लोकेश कॉस्ट्यूम अगले कुश्ती के लिए पहलवान पहले से तैयार रहे, पट्टी बांध करके एक हाथ की पगड़ी ले लिया तो बिल्कुल शांतिलाल ने और शांतिलाल ने इस कुश्ती को जीत लिया है। लाल पट्टी के पहलवान ने बाईफार इस कुश्ती को जीतकर अगले राउंड में प्रवेश। नागराज व्यायामशाला सबका ध्यान और सबके कान यहीं पर लगे हो, पहलवान अपने कोच का कौशल वहीं से सुन लेता है। आप बहुत फुर्ती के साथ में पहलवान बहुत फुर्ती के साथ पहलवान सामने देते भैया बनाने का प्रयास, लेकिन दोस्तों पकड़ यहाँ पर बहुत